नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू भी कहा जाता था, उनके राज में स्थितियां कितनी भयावह हैं इसका सबूत ये वीडियो है, जिसमें दो आदमी पीपीई किट पहने एक शरीर को लादे हुए उसे शमशान घाट तक ले जा रहे हैं, वो भी एक कूड़ा फेंकने की गाड़ी में। ये वीडियो है बिहार के नालंदा का। विक्टिम का नाम मनोज कुमार है, जिनकी मृत्यु 13 मई को कोरोना के कारण हो गई। और रिपोर्ट्स के अनुसार कुमार के परिवार से लोकल पार्षद ने 16,500 रुपये मांगे थे सिर्फ लाश को शमशान घाट तक ले जाने के लिए। इस खराब स्थिति में भी ऐसे लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, ये चौंकाने वाली बात है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। एक मिनट हमारे साथ।